सचिव भूपेंद्र जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी और पूर्व मंत्री सावरलाल जी और यूनुस खान साहब, इस क्षेत्र के विधायक श्री मान सिंह जी, फिर हबीब साहब, बाहर से आए हुए मोहन जी और रणवीर जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष ओम जी और उमेद सिंह जी, परबतसर के मेरे कार्यकर्ता बंधु और नेतागण, और इतनी अच्छी संख्या में आई हुई सब मेरी माताएं बहनें, आपको सबको प्रणाम, सबको प्रणाम करना चाहूंगी और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज आके मेरे सिर पर हाथ रख के प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर मेरा हौसला अफजाई किया, हमारी पार्टी की हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने ये प्यार दिया। साथ में लगे लगे बैठे हमारे से भाई और बुजुर्ग, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से आप लोगों ने आके यहाँ विश्वास जताया है, अपना प्रेम जताया है और हमेशा जैसे अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हमेशा आपकी आभार व्यक्त करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मान सिंह जी ने आप सबकी ओर से मेरे को ये चुनरी उड़ाई, मैं तो मान सिंह जी आपने चुनरी उड़ाई पर सबसे पूछा ठीक है क्या, ये चुनरी आप लोगों की ओर से आई क्या, इन्होंने तो पहला दिन अपनी औपचारिकता कर दी, परंतु मैं इनसे पूछ रही हूँ कि सब जो बैठे हैं ये मेरा बड़ा परिवार है, इस बड़ी बड़ा परिवार की ओर से आपने पहनाई है कि अपनी ओर से, अगर आप लोगों ने पहनाई है तो मैं तो इस आशीर्वाद से बिल्कुल अभिभूत हूँ, और आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो हमेशा देते रहे हो, इसी पे मैंने पहले 5 साल निकाले दौड़ दौड़ के, काम कर करके, और आने वाले समय के अंदर भी अगर आपका यही आशीर्वाद है तो उस काम में कमी नहीं छूने दूंगी, आपको कभी नीचे देखने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आप सबको विश्वास कराना चाहती हूँ। मैं पहले पर्वतसर से ही शुरू करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हनुमान जी कितने बार विधानसभा के अंदर और कितनी जोरदार तरीके से आपकी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु सब कुछ करने के बावजूद भी पर्वतसर क्षेत्र को डार्क जोन घोषित करने के बाद पेयजल और सिंचाई की बहुत भारी संकट हो गई है, मेरे को बताते हैं बहुत जोरदार संकट हो गया, सही है क्या? मेरे को ये बताया कि जब हम लोग, हमारी सरकार थी तो हुडलानी से पर्वतसर तक हम लोगों ने पानी लाने की व्यवस्था कर दी थी, आज फिर वहां के ही लाइन की मामला बिल्कुल ही बिगड़ गया है, इतना कुप्रबंधन रहा इस सरकार का कि जो पानी पहले से आपको पिलाया जाता था वो पानी के अंदर भी आज बहुत सारी अव्यवस्था है, क्या ये सही है? पर्वतसर शहर के अंदर, और ये मेरे को बता रहे थे, मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, पर्वतसर शहर के अंदर 48 घंटे में सिर्फ एक बार पानी सप्लाई मिल रहा है, माता बहने क्या ये सही है? 48 घंटे में एक बार, और डार्क जोन होने की वजह से आप लोग कोई हैंडपंप नहीं, कोई कुआं नहीं खोद सकते, ये भी सही है मुझे मालूम है, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो फ्लोराइड युक्त पानी की जोरदार समस्या है, क्या ये सही है? क्योंकि मैंने आज कई लोगों से जब मुलाकात की तो मैंने देखा है दांत के अंदर आ जाता है नमक और ये कुबड़ापन आ जाता है इलाके के अंदर, ये बहुत ही डरावनी बीमारी है, और मैं सुन रही हूँ कि लोगों को परेशान होकर फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ रहा है, आज ये स्थिति आ गई है, इतनी शर्म की बात है मैं आपको क्या बता सकती। इसी तरीके से हमने ये कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी नहर से इस क्षेत्र में भी पानी लाने की योजना होगी, मैंने कहा था कि फर्स्ट फेज में नागौर ले जाऊंगी मैं पानी, और 800 करोड़ की योजना थी, उसको अपने समय तक हम लोगों ने जाके नागौर तक पानी पहुंचा दिया, सब लोग बैठे हुए सब जानते हैं, आप लोग जानते हो कि पहुंच गया, परंतु उसके बाद जो काम था ले जाने का, अपनी सरकार चली गई और पानी वहीं का वहीं ठप हो गया। मैं चायल में देखा माता सुख माइन का जो पानी निकलता था, अथाह समुंदर है,
उसको साफ करके अच्छी तरीके से साफ करके अगर पीने का पानी पहुंचा देते तो मैं समझती हूँ कि चायल जिसको पानी की कभी सोच ही नहीं था उनको आराम से पानी मिल जाता। परंतु मेरे पास जो रिपोर्टिंग आ रही है वो मेरे को बता रहे हैं लोग कि ऐसा गंदा पानी जा रहा है, उसकी सफाई नहीं हो रही है और जो लोगों के पास जा रहा है उसके अंदर कोयला की बदबू आती है। ऐसा काम भी ये सरकार नहीं कर पाई। मैं तो समझती हूँ कि अगर नागौर का पानी आगे बढ़ जाता, अपने राजस्थान का नहर का पानी आगे बढ़ जाता तो पीने का पानी नहीं परंतु सिंचाई की भी मुसीबत आप लोगों की हट जाती। ये सपना मेरा था कि ये पानी पूरे नागौर के इलाके के अंदर घूम जाएगा, कहीं ना कहीं से हम सबको पीने के पानी और इसका इंतजाम कर देंगे। तो जो जिस चीज के लिए 65 साल से आदमी मरते आ रहा है और ये किसानों का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र के अंदर आज अगर फिर भी पीने का पानी नहीं है और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है तो फिर ऐसी सरकार दानत है इसको इस कुर्सी पे बिठा के क्या हम लोगों को फायदा मिलता है मुझे समझ में नहीं आया। फिर क्या चाहते हैं किसान? सबसे ज्यादा किसान चाहता है कि बिजली हमको सही टाइम पे मिले। मुझे तो बता दो कितना भारी संकट है बिजली का। अगर आप लोगों का वो ट्रांसफार्मर फूक जाता है तो सही टाइम पे नहीं आता। हमारे समय में 72 घंटे के अंदर आना पड़ता था परंतु अब 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है और जब आता है अगर रिश्वत नहीं दोगे तो काम ही नहीं बनता है। ये तो आपके विभाग का काम है। और मैं माताएं बहने आप लोगों को यहाँ कह रही हूँ कि मैंने एक लाइन अलग से आपको दी थी, वो लाइन के अंदर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए थी और हम गए थे तब 20-22 घंटे बिजली मिलने लगी थी परंतु ये सरकार ने फिर उसको बिगाड़ के छोड़ दिया है। और जिन जिनको घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए, आपके कूलर के लिए, आपके भोजन के टाइम के लिए, आपके रात्रि के लिए जो हमने सिंगल फेज का इंतजाम किया था उसका भी सत्यानाश करके छोड़ दिया है इस कांग्रेस की सरकार ने। वहां 3 फेज बिजली सही तरीके से मिलती नहीं है, टूट टूट के मिलती है, पूरी तरह से ड्रिपिंग होती है और किसानों का तो पूरा चौपट बना के रख दिया। ना उनको पानी टाइम पे मिले, ना उनको बिजली टाइम पे मिले, ना उनको ट्रांसफार्मर सही टाइम पे मिले। और ये VCR का चक्कर जो इनने जोरदार तरीके से बढ़ा दिया है उसमें ऊंचे ऊंचे बिल मिले, हाथ जल जाए उस बिल को पकड़ के, ऐसा करंट लगे तो लगे बिल में। और कहते हैं कि बिजली को हम बढ़ाएंगे नहीं और 6 बार तो बिजली के दाम बढ़ा के छोड़ दिए हैं। मैं तो समझती हूँ और मैं सुन रही हूँ कि फिर बढ़ाने का निश्चय हो रहा है। और अगर ये है तो मैं समझती हूँ कि हमारे किसानों के लिए एक बहुत नुकसानदायक चीज है। इसके साथ साथ सामुदायिक केंद्र, मैंने कहा सामुदायिक केंद्र में आपके 8 डॉक्टर होने चाहिए। माता बहने है क्या डॉक्टर है? नहीं है। मेरे को जो सुनाई देता है कि उसमें 4 डॉक्टर है मुश्किल से। और अगर मुसीबत हो जाती है तो आपको रेफर हो जाता है अजमेर, आपको सबको अजमेर जाने की जरूरत पड़ती है। क्या ये सही है? एक्सरे की सुविधा भी नहीं है यहाँ। और पर्वतसर के अंदर सीनियर सेकेंडरी में जहां जहां विषय के अध्यापक बहुत जोरदार उनकी कमी है, विज्ञान का संख्या है वहां क्योंकि टीचर नहीं है इसलिए वो बंद करने की कगार पे आ गया है। और डॉक्टर और इंजीनियर बनने का जिसका भी सपना था वो चूर चूर हो गया है। ये आज स्थिति है हमारे पर्वतसर में। मैं अभी देख रही थी, मैंने देखा कि हमारे प्राइमरी स्कूल जैसे डाबी के अंदर वो बंद कर दिया है और बंद इसलिए कर दिया कि हमारे बच्चे ज्यादा नहीं थे। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने तय किया था तब कि हम ढाणियों के अंदर स्कूल खोलेंगे चाहे बच्चे ज्यादा न हो, क्योंकि ढाणी इतने दूर है उन बच्चों को आने की इतनी मुसीबत होती है कि उनको सोच करके कि सरकार उनके लिए काम कर रही है इसलिए 20 बच्चे भी हो, 25 बच्चे भी हो, हम दूर भी हो, उनको ये सोच करके उनका स्कूल खोलने का इंतजाम हमने किया था। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि अभी ये बंद कर दिया है परंतु हम सरकार वापिस आएगी तो ये स्कूलों को फिर से खोलेंगे ताकि उन लोगों को उनके ढाणियों के अंदर मजबूरन मदद मिल जाए। मैं सिर्फ आपको एक दफा और ये कहना चाहती हूँ, खाद पर सब्सिडी मिल रही है क्या? खाद पे सब्सिडी हमारे समय पे आपको दे रहे थे हम, तो अभी भी मिलनी चाहिए थी आपको, नहीं मिल रही है तो ये भी सब्सिडी वापस करेंगे आप, चिंता मत करना उसकी। ये भी सब्सिडी वापस आ रही है क्योंकि ये सब काम हमने जो चालू किए थे वो काम हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। इसी तरीके से द्वितीय फेज के अंदर राजस्थान के नहर का पानी पर्वत पर आएगा, आप उसकी चिंता मत करना। ये आपने
मेरे ऊपर इतना बड़ा जिम्मेदारी डाला है तो मैं समझती हूँ कि तो काम आपको करना ही है। आज तक कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं करवाया है, परंतु हम लोगों की तरफ से जो वादे किए थे वो चाहे अब नहीं तो आगे हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तेजा जी के मंदिर के लिए हमने हमेशा पैसा दिया है, और मैं आपको सबको अभी ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास आए थे लोग ये कहने के हम लोग तेजा जी का मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं। मैंने कहा करो ना, ये मंदिर का निर्माण करो, हमारी तरफ भी मदद हो जाएगी, सब लोग उसकी मदद करेंगे, एक अच्छा भव्य मंदिर यहाँ खड़ा हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि उसके लिए भी अच्छा है। जगह जगह पे आपके रोड्स खराब मुझे मिल रहे हैं, 2 महीने से मैं चल रही हूँ, सब दूर, पानी की, फ्लोराइड की, बिजली की, रोड की, डॉक्टर की, टीचर की, सब दूर मुसीबत। और रोज रोज सुनो तो अखबार में ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर चमन आ गया है। जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं सुनती हूँ कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने मुफ्त जांच करा दिया है, डॉक्टरों से मुफ्त दवाई दे दी है गरीबों को, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ आप में से कितनों को मिली है मुफ्त जांच और मुफ्त दवाई? मिली है किसी को? किसी को नहीं मिली है। मुझे बताओ किसी को 1 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं मिला है? नहीं मिला है। किसी को 50,000 रुपए के कमरा बनाने के लिए पैसा, पूरा पैसा मिला, क्योंकि तो रिश्वत में 10-12 हजार अच्छे आते हैं, मिला किसी को? किसान भाइयों मैं पूछना चाहती हूँ कि ओलावृष्टि हुई, पाला पड़ा, ऐसे समय के अंदर आप लोगों को मुआवजा का पैकेज जो जयपुर में हमने सुना था आपको मिला? ओला की बिजली का उनके दाम कम करेंगे, पैसा का इंतजाम करेंगे और एक जोरदार पैकेज किसानों को देंगे, मिला आपको? अच्छा, सरकार के अंदर जो आपको 1,50,000 रुपए का ऋण बिना ब्याज का देने वाले थे वो मिला किसी को? तो किसी को कुछ नहीं मिला। मैं जहां जाती हूँ वही पूछती हूँ, सब लोग मेरे को हाथ ऊपर हिला के बोलते हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो इन्होंने 4.5 साल के अंदर क्या किया? उधर आपने देखा गुजरात को, नरेंद्र मोदी ने 15 साल में गुजरात को देश में नहीं दुनिया के मानचित्र पे ला के रख दिया, देखा आपने? इसी तरीके से आपके उन्होंने भी कर दिया शिवराज जी ने। पर राजस्थान है जहां हम लोगों ने 55 साल लगातार कांग्रेस को दिए और उसकी एवज में हमको मिला क्या? इसी तरीके से गरीबी में हम बैठे हैं, हमारी माता बहनें असुरक्षित हैं, हमारे किसान आत्महत्या के कगार पे आ गए हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, और रोजगार के लिए अभी मैं हम लोग पूछ रहे थे तो बता रहे हैं कि हम तो अभी खोलने वाले हैं, 50,000 नौकरियां मिल जाएंगी। अरे 50,000 नौकरी 5.5 साल के अंदर तो आपने एक नौकरी नहीं दी है। हम लोगों ने अपने टाइम में 10 लाख नौकरियां दी थी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी नौकरी थी। आप लोगों को जो वायदा किया उन सब वायदा को पूरा करने की हमने कोशिश की, और हमने दूसरी भी बात करी, क्योंकि ये मुझे नागौर में ठोक ठोक के आप लोगों ने सिखाया था कि ये एक परिवार है, इस परिवार के सब जाति, इस परिवार के सब मजहब, उनको साथ लेके चलो, ये बहू का काम है और आप लोगों को आगे चलना पड़ेगा, सब लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको प्यार से बांधना पड़ेगा, और जब पूरा परिवार चल पड़ेगा तो विकास में कोई कमी नहीं आएगी। वो 5 साल में आपने देखा कि नहीं देखा? आपने मुझे 5 साल दिए थे, बीमारू प्रदेश भी साथ साथ दिया था, उस बीमारू प्रदेश को हमने गड्ढे में से निकाल के खड़ा किया कि नहीं किया? आपने देखा, लोग बात करने लगे राजस्थान के बारे में, और आज फिर वो बीमारू प्रदेश उतने ही बीमारू स्थिति के अंदर जाकर पड़ गया है। वो कितनी कलंक की और कितनी शर्म की हम लोगों के लिए बात है, कितनी शर्म की बात है कि देश के अंदर आज राजस्थान को लोग पहचानते हैं तो उसके इतिहास की वजह से नहीं, पहचानते हैं कि उसकी माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पहचानते हैं कि माताएं बहनों की चेने खींचती हैं, पहचानते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, विकास दर 5% पे आके रह गया है, जबकि बिहार जैसा प्रदेश 16% पे पहुंच गया है। अरे भाइयों और बहनों, हमारे बच्चे यहाँ से छोड़ छोड़ के गुजरात जाते हैं, यहाँ से छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश जा रहे हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता नहीं है, और अगर उनको पकड़ के ले आओ तो वो बोलते हैं कि यहाँ लगा के हम क्या ले जाएंगे, इतना तो भ्रष्टाचार है। हर एक आदमी को तो पैसे देने की जरूरत है, फिर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। अरे हमको जाना है तो हमें कमाना भी है, अगर हमको इंडस्ट्री पुटअप करनी है तो हमें उसके साथ उसकी कमाई भी करनी है, तो हम तो ऐसी जगह में जाएंगे जहां हमारी सरकार हमको मदद करेगी, हम ऐसी जगह में जाएंगे जहां ये मूलभूत सुविधाएं आराम से मिल जाती है, हम ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जिसकी सरकार चोर है, हम ऐसी सरकार में नहीं, ऐसी जगह में नहीं जाएंगे जहां हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं है। कितनी शर्म की बात है कि हम अपने बच्चों को नौकरी यहां नहीं दिलवा सकते, वो दूर दूर जा रहे हैं सब कुछ छोड़कर,
और जो सरकारी काम है उसके अंदर भी मैं देखती हूँ कि कितना जोरदार भ्रष्टाचार है। मैं सिर्फ आपको मनरेगा का काम लूंगी, सब अखबार में पढ़ लिया कि 13,000 करोड़ का जोरदार घोटाला मनरेगा के अंदर। आज मनरेगा के अंदर 1,25,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। हम लोगों के समय में राजस्थान नरेगा में नंबर एक था पूरे देश में और 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी, 1 लाख नहीं 26 लाख लोगों को नौकरी दी थी और पूरा टाइम दिया था। उन लोगों को लुगड़ी भी मिली, उन लोगों को उनके पूरे 100 रुपए दिन के भी मिले और उन्होंने राजस्थान की परिसंपत्ति को बना के 5 साल में राजस्थान को बीमारू प्रदेश से निकाल के बाहर खड़ा करने का काम वो 26 लाख लोगों ने हमारे साथ मिलकर भी किया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको, आज अगर नरेगा वालों से बात करो तो वो कहते हैं साहब हमको पैसा ही नहीं मिलता, हमको नौकरी में लगाते हैं, काम पे लगाते हैं, परंतु हमको कहीं 20 रुपया, कहीं 22 रुपया, कहीं 10 रुपया और कहीं मुश्किल से 1 रुपया मिल जाता है। अब बताओ ऐसी स्थिति में हम कौन काम करेंगे, क्या काम करेंगे और हमें इस सरकार से क्या मिलने वाला है बताए। ये तो नरेगा का काम, आप लोग सबको मालूम है कि अब तो ये 4 महीने के अंदर उन्होंने तो जो आप चाहे वो देने को तैयार है। आप कह देगो कि सोने का महल बना के तैयार कर दो, कल के लिए वादा कर देंगे। आपको दूध की नदी चाहिए तो बोलेंगे जरा वोट पड़ जाने दो, दूध की नदी देखो कैसे आती है, पूरे नागौर के अंदर अब दूध की नदी बहा देंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये पेंशन की स्कीम आप लोगों ने तैयार करके आपको दी थी, जब माताएं बहने आप लोग सब जानते हो कि भामा शाखों में छोड़ के गई थी, इन्होंने कोर्ट में जाके उसको बंद करवाया था। उस भामा शाख के अंदर 10 लाख 20 लाख नहीं 50 लाख राजस्थान के लोगों को प्राथमिकता से उनकी महिलाओं द्वारा और महिलाओं को 1500 रुपए दे के प्रोत्साहित करके बैंक अकाउंट खुलवा के हम उन लोगों को उनके पेंशन, उनके पैसे, उनके सब जो भी देना था वो सब उसके अंदर देने का काम कर रहे थे। उसमें बीपीएल परिवार थे, लघु और सीमांत कृषक थे, उसमें एससी थे, एसटी थे, 50 लाख आदमी थे और कार्ड मिल रहा था। उस कार्ड के अंदर आप लोगों को उसके ऊपर 30,000 रुपए स्वास्थ्य बीमा भी मिल रहा था। अब ये काम अगर कर देते तो 4-4.5 साल तक लोगों को मिलता रहता और लोग खुश होते। ये लास्ट में सबको सुना रहे अरे आ जाओ तुमको ये भी दे देंगे वो भी दे देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। ये तो वही खेल है, बड़े कुंभकर्णीय नींद से जागे हैं ये सब। अब सोच रहे हैं कि भैया 4 महीने बाकी हैं, इन लोगों को सबको लुभाओ और लुभते नहीं है तो डराओ, और डराने में उन्होंने सीबीआई का साथ दिया है। सीबीआई का आप मालूम है, मेरे साथ तो उन्होंने आयोग इस्तेमाल किया, भाई साहब के साथ उन्होंने सीबीआई इस्तेमाल की और ऐसे व्यक्ति को चुना जो पूरा राजस्थान जानता है कि वो कभी किसी मक्खी को भी छू नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाने की कोशिश की। पूरी दुनिया जानती है परंतु सीबीआई तो सीबीआई है और कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। उन्हें तय कर लिया कि गुलाब जी के पीछे हम पड़ेंगे और बीजेपी को डराएंगे, बीजेपी को जनता से अलग कर देंगे और जनता को डराने का भी काम कर देंगे कि देखो सीबीआई पीछे पड़ जाती तो तुम्हारा क्या हाल होता है, गुलाब जी जैसा व्यक्ति नहीं बच सकता है तो तुम्हारा क्या हाल है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि पूरी पार्टी हम सब गुलाब जी के साथ खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं। अरे छूटे तो देखे किसी को, अगर कोई भी किसी को गलत वजह से कहीं बंद करने की कोई कोशिश करता है तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार सबसे पहले अपना सीना तान करके आपके साथ खड़े होने को तैयार है। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब आपने मुझे सिखाया। मुझे याद है परिवर्तन यात्रा के अंदर जब मैं यहाँ से सबसे निकली थी तो इस क्षेत्र के अंदर आप सबने बड़े बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रखा और जो युवा थे उन्होंने कंधे से कंधा लगाकर, महिलाओं ने अपने घूंघट में नीचे से देख के मुझे प्यार करके कहा था कि लड़ो, डरो मत ही सब लड़ो और ये आपका परिवार है, इस परिवार का भला करने का काम अब आपने बीड़ा उठाया है। और मैं आपको ये सबको कहना चाहती हूँ कि आपके ही विश्वास और प्यार के ऊपर इतना 5 साल में निकाल सकी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप तो प्यार अपना देते रहो, आप अपना विश्वास बनाए रखो और आप हमारा साथ देते रहो तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान का भला हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं। किसी ने मुझसे ये कहा कि भैया तुम तो सब कुछ भगवान के भरोसे करती हो। मैंने कहा मैं भगवान के भरोसे और मेरे इस परिवार के भरोसे करती हूँ, ये परिवार मेरे साथ है, हमारे पार्टी के साथ है तो हम मजबूत हैं।
इनकी आंखों में जब मैं देखती हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे इससे एक जोर ताकत मिल जाती है। आप लोग तो ये ताकत देते रहना, क्योंकि आप लोग बहुत ताकतवर हो, यहाँ की तो महिलाएं भी ताकतवर हैं। और मैं 32 मैंने आपके ये 36 की 36 को आपको साथ लेके चल के और राजस्थान को बदलने का काम करूंगी, मौका दोगे तो। और अगर हिम्मत है तो हमें इनसे लड़ने की जरूरत है। ये कुछ भी कहे, मैं तो इनसे बात भी नहीं है, रोज टीवी पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैंने कहा मेरे को ना सुनना है ना मुझे देखना है, मुझे तो मेरे को सिर्फ आपसे मिलना है और आप लोग जो कहते हो उसको जमीन पे लाने की कोशिश करनी है। और मैं आपको वादा करती हूँ कि साफ सुथरा पानी घर पे पहुंचेगा, 24 घंटे बिजली महिलाओं को मिलेगी और जो ये गवाई माता के मंदिर के रास्ते को सही करवाने की बात अभी तक नहीं कर पाए हैं उसको भी अपन ही करेंगे। आप चिंता मत करना, ये सब काम हम लोग करेंगे। और मुझे बताओ कि आप तैयार हो क्या? तैयार हो? मुझे बताओ कि हिम्मत है क्या? हिम्मत है। अरे दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर देना, ये हाथ जो है ना बड़ा खूनी हाथ है। ये हाथ ने तो महिलाओं की इज्जत लूटी है, इस हाथ ने तो महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, इस हाथ ने तो आपके जेब काटे हैं और काट रहे हैं। इतनी रात को तो मुट्ठी बंद करके बताओ मेरे को तैयार और हिम्मत हो क्या? हिम्मत है? लड़ेंगे? अरे जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक परिवार के रूप में लड़ेंगे, एक परिवार के रूप में अपनी एक आवाज से लड़ोगे। फिर जोरदार नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, आपका स्वाभिमान, राजस्थान का स्वाभिमान, हम सब मिलकर।